मी नामदेव कांबळे जेएमए न्यूज बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत आहे. आपण पाहत आहात जेएमए न्यूज बातमीपत्रात सर्वप्रथम आपण पाहणार आहोत हेडलाईन्स. अनिल देशमुख यांचा राजीनामा घेणे ही चूक होती, संजय राऊत. हिरानंदानी समोर प्राप्तिकर विभागाची छापेमारी, रिअल इस्टेट क्षेत्रात खळबळ. एसटी विलीनीकरण सदावर्त्यांना सुनावलं, मुंबई उच्च न्यायालयाचे ठाकरे सरकारला महत्वाचे निर्देश. गडकरींचा लेटर बॉम्ब, उद्धव ठाकरेंना म्हणाले रिफायनरी विदर्भात हलवा. बांगलादेशावरील विजयानंतर भारताला गुणतालिकेत झाला मोठा फायदा, घेतली मोठी झेप. नमस्कार, मैं राजन मोरिया और आज हम उपस्थित हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इलाके में, जहां पर आज शिवसेना शाखा वार्ड शिवसेना शाखा 164 पर, जहां पर आप देख सकते हैं एक भव्य तरीके से आज जो शिव जयंती है उसे मनाया जा रहा है. और उसी के साथ साथ सारे के सारे जो लोग हैं यहां पर हमारे समक्ष उपस्थित हैं और हम इन्हीं से जानेंगे आज जो इनका मिलाप है, चाहे वो किसी भी संस्था में काम कर रहे हैं, पर जो शिव जयंती के समय में इनका जो एक मिलाप होता है वह अलग ही एक अपना रूप होता है, एक अलग ही अपना प्रेम भावना जो प्रदर्शित करते हैं. और इन्हीं से अब हम जानेंगे कि आखिर आज इस शिव जयंती के समय पर ये अपने चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं. सबसे पहले तो मैं जो हूबहू बाला साहेब जो ठाकरे के जो रूप समान है, मैं उनसे जानना चाहूँगा क्या कहना चाहते हैं आज आप. आज छत्रपति शिव जयंती आज निमित्ताने आज 164 शाखा आमचे लाडके असे आमदार दिलीपमामा लांडे यांच्या माध्यमातून बाबू मोरे हे यांनी इथे शिवजयंती उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा केला आहे. आणि शिवजयंती हा उत्सव म्हणजे महाराष्ट्रातला एक आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज. आज छत्रपती शिवाजी महाराज नसते तर आम्ही कुठे असतो हे सगळ्यांनी लक्षात घ्यायला पाहिजे. शिवसेना ह्या भगव्या झेंड्याचा जो प्रसार आज पुऱ्या महाराष्ट्रात चालवते आणि हिंदुत्वाचा जे विडा उचलला आहे आणि अशा प्रकारे आमच्या हिंदुस्थानामध्ये आज छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती सगळ्यांकडे साजरी होते हे एक भाग्यच आहे आमच्या हिंदू लोकांचं, या महाराष्ट्राच्या लोकांचं. आणि मी ते छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानवंदना करून त्यांना मानाचा मुजरा करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. और इसी के साथ और भी काफ़ी सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा शिव जयंती के समय पर क्या संदेश देना चाहते हैं आप. हम यहाँ पे उपस्थित सभी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं, कुरला जिला का उपाध्यक्ष करके ऐसी मेरी जवाबदारी है. हम पिछले 4 दिनों से तैयारी कर रहे हैं. हम हर वर्ष शिवजोत लाने के लिए शिवनेत्र जाते हैं और वहाँ से दौड़ते हुए हम लोग शिवजोत कम से कम 150 किलोमीटर वहाँ से आते हैं. कम से कम 150 किलोमीटर सौ की संख्या होती है. वहाँ से धूप में शिवजोत लेकर हम लोग आते हैं. पूरे कुरला जिला में हमने बाइक रैली भी की है. आज शिव जयंती के निमित्त हम लोग ने कुरला क्षेत्र में जितने भी मंडल है, जितने भी हमारे एरिया में साजरा हो रहा है जो भी शिवाजी जयंती के, सभी जगह पे हम लोग जाके भेंट का कार्यक्रम कर रहे हैं. पक्ष सभी साइड में है, पक्ष को कोई ध्यान में ना देते हुए पूरा हिंदू समाज करके एकत्रित होके हमने सन एक खुशी का त्यौहार जैसा मना रहे. छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी. जैसे कि विश्व हिंदू परिषद के भी लोग यहाँ पर उपस्थित है और उसी के साथ साथ जैसे कहा गया है कि कहीं ना कहीं कि शिव जयंती जो मनाया जाता है इसमें मतलब कोई चाहे वो किसी भी संस्था से काम करने वाला हो, पर जब इस तरीके का जो एक त्यौहार होता है तो उसमें हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ जाता है. और भी सारे काफ़ी लोग हैं मेरे साथ यहाँ पर. मेरा एक मित्र है संतोष पटना, संतोष मैं इनसे भी जानना चाहूँगा क्या संदेश देना चाहते हैं. संदेश ऐसा है, जैसा बाकी सभी ने बताया, हमको इस ये जो त्यौहार है ये हमारे लिए, अगर हम ये त्यौहार नहीं मना सकते, ये त्यौहार मनाने के वजह से आज हम जो हिंदू अपने आप को कहला रहे हैं, इन्हीं के वजह से आज हम अपने आप को हिंदू कहला रहे हैं, वरना आज हम हिंदू भी नहीं होते. तो इसीलिए ये होते ये थे इसी के वजह से आज हम हिंदू बच्चे हैं, इसीलिए के लिए हम उनको याद करते हुए माना सा मुजरा. शंकर ठाकुर जी भी हमारे साथ उपस्थित है और इसी के साथ साथ मैं शंकर ठाकुर जी से भी जानना चाहूँगा आज शिव जयंती के समय पर आज क्या संदेश देना चाहते हैं. भैया मैं देखो भाई साहब, मैं संदेश कुछ नहीं देना चाहता, खाली जैसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे एक्टिव थे वैसा हम भी चाहते हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे जो ये यंगस्टर
उन लोग भी एक्टिव हो ऐसा, उनके लिए हमारे स्पोर्ट्स का जरूरत है। स्पोर्ट्स रहेगा तो एक्टिव रहेगा हमारे एरिया में, पूरे समाज में, हर जगह। घाटकोपर कुरला में देखो सर, खाली हमारे अंबेडकर नगर मिलनगर में कोई ग्राउंड है, बीएमसी ग्राउंड एक भी नहीं है। और जो हमारे पास है ग्राउंड तो है वो कैथलिक एसोसिएशन के पास है, चर्च के पास है। चर्च उन लोग डायरेक्ट बोलते हैं नॉन कैथलिक इज नॉट अलाउड, हिंदू इज नॉट अलाउड, दे कांट से मुस्लिम इज नॉट अलाउड, दे से हिंदू इज नॉट अलाउड। बट भैया हमको बहुत लगता है, हम स्पोर्ट्समैन है। शिव जयंती के समय में जो एक जो ये पहल युवाओं को लेकर है, जो युवा कहीं ना कहीं एक कहा जाता है कि आज जो नशे की हालत में कहीं ना कहीं मैदानियों की कमियों को लेकर है, और जो आज शंकर ठाकुर जो खुद भी एक खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी बातों को रखा है, और उसी को मतलब आज जो है शिव जयंती के समय में एक बहुत ही बड़ी पहल शंकर ठाकुर जी ने इस समय में हमारे साथ कर दिए। और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो मैं इनसे भी जानना चाहूँगा, आज जो ये जैसे आज मित्र हैं एक शंकर ठाकुर जिन्होंने आज युवाओं के लिए जो ये बात कही है, आप इसके बारे में क्या राय देते हैं? जय भवानी जय शिवराय। आज जो यंगस्टर लॉबी जो धीरे धीरे महाराष्ट्र में और अपने जो महाराष्ट्र ये स्थानीय जगह पे हम देख रहे हैं, जैसे नौपाड़ा हो गए, मिलन नगर हो गए, यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए आज मेरे साथ जितने भी हैं ये सभी मेरे सीनियर हैं, और शायद यंगस्टर आपको बहुत कम दिखेंगे इसमें। आज ज़्यादा से ज़्यादा जो यंगस्टर लॉबी जा रही है वो सब नशे और इस चीज़ में लुप्त होते जा रही है। जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी और जो हमारे धर्मवीर संभाजी महाराज हैं, इनके लिए हम बलिदान मास वगैरह सब चीज़ हम वो कार्यक्रम करते रहते हैं। तो कृपया करके जितने यंगस्टर ये महाराज जी को अपने आराध्य देवत मानेंगे, और धीरे धीरे जो यंगस्टर लॉबी आगे एकजुट होकर हम काम करेंगे, तो मुझे लगता है धीरे धीरे हमारा जो हिंदू स्वराज्य, पहले तो हम दिल्ली की बात नहीं करेंगे, हम गली से शुरुआत करेंगे जो हमारे गली में चल रहा है। तो गली में भी जितना भी आप ध्यान देंगे यंगस्टर लॉबी धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी आज जो उनका जन्म उत्सव है, उनके उनके माध्यम से आज हम यंगस्टर को ये बताना चाहते हैं कि धीरे धीरे आप इस चीज़ में, इस कार्यक्रम में, इस चीज़ में नशा मुक्त अभियान का भी आगे का तैयारी है। देखते हैं धीरे धीरे किस तरीके से हम यंगस्टर लोगों के बीच में एकजुटता ला के उन आज जो बच्चे, मुझे जैसा एक विषय हमारे नौपाड़ा और मिलन नगर में हुआ था, जैसे आज जो यंगस्टर आज फांसी ले रहे हैं, आज डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इनको हमारा इतिहास नहीं पता। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में, धर्मवीर संभाजी राजे, इन लोगों ने कितना तकलीफ कितना कष्ट लेके अपने जीवन को धीरे धीरे आगे लेके गए हैं। वो हमें लड़ने एक स्पेशल लीडरशिप क्वालिटी सिखाते हैं। आज शायद मैं भी आज यहाँ पर नहीं होता, आज इस सीट में नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जैसे मेरे ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किए, जो भी विषय था आज हम इनको आदर्श मानते, नहीं तो आज मुझे भी लगता था धीरे धीरे जिस तरीके बात से। ये है कि आज जो युवाओं की लड़ाई है वो मैदानों को लेकर है, तो मैदानों के प्रति आप किस तरीके से लोगों को अपने समझ जो है आज जो यहाँ के जो युवा है उनके लिए मैदान की कमियों को कैसा पूरा किया जाए, मैं इसके विषय में जानना चाहता हूँ। हम हमारे ऊपर दो दायित्व और जिम्मेदारी है। हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, और हम ये विषय जो ये लोगों का है ये हम अपने जो भी सरकार और इन सब के सामने हम सिर्फ आंदोलन और विषय उनके तक रख सकते हैं। बाकी आगे का विषय ये हमारे जो सरकार है वो आगे उस चीज़ में ध्यान दे। जैसे एक एक लॉबी बहुत सा विषय यहाँ पे होते जा रहे हैं, हाँ ये सब चीज़ मुझे लगता है जिस तरीके से ग्राउंड वगैरह का विषय है इस चीज़ को तो आगे लेके जाना चाहिए, क्योंकि यंगस्टर के पास और कुछ काम बचा ही नहीं है, तो सब टाइम पास में क्या कर रहे हैं, सब बैठे हैं यहाँ वहाँ, जैसे टाइम पास चलता है उसी चीज़ में बैठे रहते हैं। गवर्नमेंट जॉब पे जो सारा मसला है आज कहीं ना कहीं शिव जयंती के समय पर सभी ने अपनी अपनी तरफ से, विश्व हिंदू परिषद के लोग हो और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इन सभी ने अपनी अपनी राय रखी है। और पर इसके साथ साथ एक बहुत ही बड़ा एक मुद्दा इन्होंने जो एक पहल अपने माध्यम से जो छेड़ा है मैदानों को लेकर, जो युवा जो आज नशे की हालत में कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं, अब देखना यह है प्रशासन इनकी बातों पर कितनी ध्यान देती है और कहाँ तक इनको कामयाब करती है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ मैं राजेश मोरिया, जेएमएन। बातमी पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा आणि सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहा तुमच्या मोबाईलवर।